हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स की, जिन्हें पढ़ के आप आराम से यूपीएससी सीएससी को कम्प्लीटली पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो कौन सी वो बुक्स हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है, ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि यू कैन यूज़ माई कोड TOP10 वेन एवर यू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी के कोर्सेज के लिए आप TOP10 का ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आइए बात करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास की। स्पेशल बात यह है कि आज हम लोग बुक्स की बातें करने वाले हैं और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे आसान जो बुक है वहाँ से शुरू करेंगे, जो सबसे ईजी किताब है, जहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। ठीक है, वेरी ईजी, NCERT बुक्स। सो NCERT आप लोगों को कौन सी पढ़नी है? देखिए, वैसे तो 6 to 12th पढ़नी ही होती है, लेकिन आप 11th एंड 12th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th एंड 12th हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको एंड बायो। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बायो, ये आपको NCERTs पढ़नी है 11th एंड 12th क्लास की। इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी आपको पढ़नी है हिस्ट्री की, 11th एंड 12th ओनली। ठीक है, 11th एंड 12th ओनली। ओके, सेकेंड इज एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए आपको पढ़नी है शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थर्ड इज इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको पढ़नी है रमेश सिंह, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको पढ़नी है साइंस एंड टेक की मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की बुक। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की शुरुआत आप NCERT से तो करेंगे ही। इसमें एक बुक आती है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय KBC नैनो पब्लिकेशन। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और आपको तो पता ही है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत की दो बुक्स आती हैं जो आपको पढ़नी है, एक तो इंडियन पॉलिटी, और एक इंडियन गवर्नेंस। ठीक है, एक इंडियन पॉलिटी एंड एक इंडियन गवर्नेंस, ये आपको पढ़नी है। तो लक्ष्मीकांत की दो बुक हैं जो कि आप पढ़ेंगे। गवर्नेंस वाली जो बुक है वो आपके GS पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा आप सोसाइटी ज़रूर पढ़िएगा, इंडियन सोसाइटी, क्योंकि वो आपके GS पेपर 1 का पार्ट है, GS पेपर 1 के लिए। तो ये आप जो अनअकैडमी का सोसाइटी का मटेरियल है वो फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप वैसे भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी बुक्स फ्री में दी जाती हैं, जो अनअकैडमी के द्वारा कंप्लीट कवरेज करती हैं आपके सिलेबस का। तो वो अगर आपके पास है तो यू कैन वॉच इट, अदरवाइज आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम का लिंक जो है देख करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने 11th 12th क्लास की हिस्ट्री जब कवर कर ली, तो इसके बाद आप जो है नितिन सिंघानिया को पढ़ना ना भूलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। अर्जुन देव फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्जुन देव आप पढ़ेंगे फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा ध्यान रखिए कि अगर आप ये तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, 11th 12th की NCERT पढ़ रहे हैं, तो उस समय में ध्यान रखिएगा कि 11th क्लास की NCERT ओल्ड NCERT होनी चाहिए, ओल्ड NCERT होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए, ओनली फॉर हिस्ट्री, ओनली फॉर हिस्ट्री। यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस की जो बुक आप पढ़ते हैं
वो सारी की सारी न्यू एनसीईआरटीज होंगी, लेकिन हिस्ट्री की ओनली क्लास 11th वाली जो है वो ओल्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये कंटेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सारी के सारे जो है ये न्यू एनसीईआरटीज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि बेटर है कि आप पहले अपनी इंडिया के पूरे बैकग्राउंड को समझ जाओ, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लेंगे, नितिन सिंघानिया पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप जो है स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इससे कवर हो जाएगी। स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू, ठीक है? तो ये बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये वो श्योर शॉट बुक हैं। श्योर शॉट का मतलब कि जिससे पक्की श्योरिटी है कि आपका पूरा जीएस कवर हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, एसे, उसके लिए भी आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या फॉलो करना है, अगेन मैं बताऊंगी। अनअकैडमी का जो मटेरियल रहता है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी की क्लासेस, स्पेशल क्लासेस देखते हैं, तो सभी टीचर्स आपको फ्री में भी पीडीएफ देते हैं, तो वो पीडीएफ्स भी आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और एक पब्लिकेशन जिसके ऊपर आप हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं वो है मैग्रो हिल्स का, ठीक है? ये आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बुक आपको मिल जाएंगी, एसे राइटिंग की भी मिल जाएंगी, एथिक्स की भी मिल जाएंगी। वैसे एथिक्स के लिए अगर आप चाहो तो लेक्सिकन भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आपके काम आएगी, ठीक है? नॉट फॉर प्रीलिम्स, ओनली फॉर मेंस, ठीक है? तो ये सारी हमारी बुक्स थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।